Hello YouTube, this is Subham Agrawal and you are watching Cyber Baba. So friend, आज हम बात करेंगे सिस्टम की इंटरनल हार्ड डिस्क के बारे में. क्या होता है कि जब भी कोई यूजर अपना सिस्टम बिल्ड करता है तो वह जो हार्ड डिस्क का सिलेक्शन करता है वह मैक्सिमम करता है कैपेसिटी वाइज कि हमें 1 TB की हार्ड डिस्क चाहिए या फिर हमें 2 TB की हार्ड डिस्क चाहिए. हाँ, यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम प्रोसेसर की बात करें या फिर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें, तो यहाँ पर जो यूजर का सिलेक्शन होता है वह बिल्कुल एक्यूरेट होता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. बट हार्ड डिस्क में मोस्टली केसेस में जो यूजर सिलेक्शन करता है वह करता है सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी वाइज. तो यार, कैपेसिटी के अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. हार्ड डिस्क की भी अपनी अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है. हो सकता है कि आप अपने काम के अनुसार गलत हार्ड डिस्क को लेकर आए हों, और यार कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है. तो बात करते हैं हम सबसे पहले कुछ कंपनीज की, जैसे कि सीगेट और वेस्टर्न डिजिटल. 99% केसेस में आपके सिस्टम में इन दो कंपनी में से किसी एक कंपनी की हार्ड डिस्क होगी. बट आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेस्टर्न डिजिटल को. तो यार, अब अगर हम वेस्टर्न डिजिटल के हार्ड डिस्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती हैं 6 टाइप्स की हार्ड डिस्क. यहाँ पर आपको कलर वाइज हार्ड डिस्क का सिलेक्शन करना होता है. तो यार, अब आपके सिस्टम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी आपको हार्ड डिस्क चाहिए, क्या आप जो हार्ड डिस्क लेकर आए हैं वो सही है या नहीं, तो यार आज हम इन्हीं सब पॉइंट्स पर बिल्कुल क्लियर बात करेंगे. तो इसे अच्छे से समझने के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें. तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड डिस्क हैं वह 6 कलर वेरिएंट में आती हैं. अब अगर आपको हार्ड डिस्क को समझना है तो आपको इनके कलर वेरिएंट को भी समझना होगा. जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेस्टर्न डिजिटल ब्लू, वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक, ग्रीन, पर्पल, रेड और गोल्ड. तो एक एक हार्ड डिस्क को हम सेपरेटली समझेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न डिजिटल कैवियर ब्लू. तो यार, यह एक ऐसी हार्ड डिस्क है जो कि ऑल टाइम गोल्ड है. अगर आपके सिस्टम को आप अभी चेक करेंगे तो 90% केसेस हैं कि आपके सिस्टम में वेस्टर्न डिजिटल कैवियर ब्लू ही हार्ड डिस्क होगी. और यार, इस हार्ड डिस्क को ऐड करने का एक रीज़न भी है, क्योंकि इस हार्ड डिस्क का प्राइस बाकी हार्ड डिस्क के कंपेयर में बहुत ही कम होता है. तो बात करते हैं हम यहाँ पर इस हार्ड डिस्क के कुछ फीचर्स की. बट यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट सजेस्ट करूँगा कि अभी हम जिस भी हार्ड डिस्क पर बात करेंगे वहाँ पर हम जो टारगेट रखेंगे वह रखेंगे 1 TB. तो यार, वेस्टर्न डिजिटल कैवियर ब्लू एक लेजेंडरी हार्ड डिस्क है और यार एक ऑलराउंडर हार्ड डिस्क है. मतलब अलग अलग हार्ड डिस्क की एक फंक्शनैलिटी होती है, बट अगर हम सभी हार्ड डिस्क के थोड़े थोड़े फंक्शन को मिक्स कर दें तो हम इसे एक ऑलराउंडर बोल सकते हैं. मोस्टली इस हार्ड डिस्क का यूज जनरल पर्पज़ के लिए किया जाता है. अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए एक सिस्टम बिल्ड करना है, यहाँ पर आपको हाई परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वेस्टर्न डिजिटल कैवियर ब्लू के साथ जाएं, क्योंकि यहाँ पर इस हार्ड डिस्क का आपको जो प्राइस मिलता है वह आपको 1 TB का मिलता है 3000 रुपीज़. हाँ, यहाँ पर आपको जो पॉइंट सजेस्ट करना है वह है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न डिजिटल कैवियर ब्लू है, यहाँ पर इसके आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे. एक वेरिएंट पर आपको मिलेगा 5400 RPM और दूसरे वेरिएंट पर आपको मिलेगा 7200 RPM. तो कोशिश करें कि जब भी आप कैवियर ब्लू का सिलेक्शन करें तो वहाँ पर RPM आप 7200 ही सिलेक्ट करें. अगर हम इस हार्ड डिस्क की अवेलेबल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर यह हार्ड डिस्क आपको मिलती है 500 GB से 6 TB तक. बढ़ते हैं हम अपनी अगली हार्ड डिस्क की तरफ, जो कि है वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक. तो यार, अगर सबसे पहले हम इस हार्ड डिस्क के प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 1 TB पर इसका जो प्राइस मिलता है वह मिलता है आपको 5500 रुपये. कैवियर ब्लू के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा मिलता है, बट यह एक हाई परफॉर्मेंस हार्ड डिस्क है. अगर आप अपने सिस्टम पर कोई हैवी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं या फिर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो इस कंडीशन पर आप कोशिश करें कि आप वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि यह आपको भी पता है कि जब भी आप वीडियो फाइल को रेंडर करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ होता है वह होता है ग्राफिक्स का. बट वहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए आपको हार्ड डिस्क का भी सिलेक्शन करना होता है, क्योंकि जो भी डाटा रीड और राइट होता है वह आपके हार्ड डिस्क से ही होता है. तो अगर आप एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाली हार्ड डिस्क को फाइंड कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक को ही प्रेफर करें. अगर हम बात करें इस हार्ड डिस्क की अवेलेबल कैपेसिटी की, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है वह होती है 500 GB से अप टू 6 TB तक. बढ़ते हैं हम अपनी अगली हार्ड डिस्क की तरफ, जो कि है वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन. तो यार, अगर हम इस हार्ड डिस्क की सबसे पहले प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो प्राइस मिलता है वह मिलता है 3800. बट इस हार्ड डिस्क को लेने से पहले ही मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि यह हार्ड डिस्क एक बहुत ही स्लो हार्ड डिस्क है. स्लो हार्ड डिस्क के मतलब कि आप इस हार्ड डिस्क को अपने मेन सिस्टम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रीड और राइट की परफॉर्मेंस मिलेगी वह बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी. जब भी आप इस हार्ड डिस्क से डेटा को रीड करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वह बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी. इसलिए आप इस हार्ड डिस्क को मेन सिस्टम के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको इंस्टॉल करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. और जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे और आपको जो लास्ट में परफॉर्मेंस मिलेगी वह बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी. तो यार, इस हार्ड डिस्क का जो मेनली यूज़ किया जाता है वह किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए. अगर आपको अपने सिस्टम में किसी भी डेटा को स्टोर करके रखना है, उसे लंबे समय तक स्टोर करके रखना है, तो इस कंडीशन पर आप वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन को ही सिलेक्ट करें. अगर हम बात करें इस हार्ड डिस्क की अवेलेबल कैपेसिटी की, तो यहाँ पर यह हार्ड डिस्क आपको मार्केट में 500 GB से लेकर 6 TB तक मिलती है.
बढ़ते हम अपनी अगली हार्ड डिस्क की तरफ जो कि है वेस्टर्न डिजिटल पर्पल। तो यार अगर हम इस हार्ड डिस्क की सबसे पहले प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको इस हार्ड डिस्क का जो प्राइस मिलता है वह मिलता है आपको 3500 रुपये। बट इस हार्ड डिस्क का जो यूज है वह सिर्फ और सिर्फ किया जाता है सर्वेलेंस के लिए। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो अगर आप जब भी सीसीटीवी कैमरास को लगाते हैं तो वहां पर आपको 24 आवर्स कैमरे को ऑन करना होता है। तो अब इस हार्ड डिस्क को डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ सर्वेलेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेटा को राइट करना होता है। आपका सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे ऑन रहता है। अब इस कंडीशन पर जो हार्ड डिस्क का मेन फोकस होता है वह होता है राइट पर, क्योंकि आपको डेटा को राइट करना होता है। आपको बहुत ही रियर केस में डेटा को रीड करना होता है जब भी आपको वीडियो फाइल्स या फिर फुटेज को देखना होता है, बट मोस्टली केसेस में आपको डेटा को राइट करना होता है। तो यार इसी के हिसाब से इस वेस्टर्न डिजिटल की पर्पल हार्ड डिस्क को डिजाइन किया गया है। अगर हम बात करें इस हार्ड डिस्क की अवेलेबल कैपेसिटी की तो यह हार्ड डिस्क आपको मिलती है 500 GB से अप टू 10 TB तक। बढ़ते हैं हम अपनी अगली हार्ड डिस्क की तरफ जो कि है वेस्टर्न डिजिटल रेड। तो यार यह हार्ड डिस्क बिल्कुल अपोजिट है वेस्टर्न डिजिटल पर्पल के। अगर हम सबसे पहले इस हार्ड डिस्क के प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको इस हार्ड डिस्क का जो प्राइस मिलता है वह है 5200 रुपये। मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है NAS के लिए, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। दैट मीन आपका एक सिस्टम है या फिर हम उसे सर्वर भी बोल सकते हैं, और उस सिस्टम से आपके बहुत सारे यूजर कनेक्टेड हैं, आपके बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। अब आपको अपनी फाइल शेयर करनी है और उसे एक्सेस करना है अपने मल्टीपल सिस्टम से। जैसे कि अगर हम बात करें किसी एक सर्वर की कि मैंने एक सर्वर को कॉन्फ़िगर किया और मेरे जो बाकी क्लाइंट्स हैं उस सर्वर से उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपको फोकस करना होगा वह करना होगा आपको रीड पर। जैसे कि अगर हम WD पर्पल की बात करें तो वहाँ पर जो फोकस था वह राइट पर था, क्योंकि हमको CCTV से रिकॉर्डिंग करनी होती थी। बट यहाँ पर जो फोकस है वह है रीड पर, क्योंकि यहाँ पर हमको अलग अलग सिस्टम से डेटा को बार बार रीड करना है। तो इस पर्पज से इस हार्ड डिस्क को डिज़ाइन किया गया है। अगर हम बात करें इसकी अवेलेबल कैपेसिटी की तो यह हार्ड डिस्क आपको मिलती है 750 GB से अप टू 10 TB तक। बढ़ते हैं हम अपनी अगली हार्ड डिस्क की तरफ जो कि है वेस्टर्न डिजिटल गोल्ड। तो यार यह हार्ड डिस्क वेस्टर्न डिजिटल की सबसे ज़्यादा और सबसे महंगी हार्ड डिस्क है। अगर हम इस हार्ड डिस्क के प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 TB का जो प्राइस मिलता है वह है 8500। अब इस हार्ड डिस्क के इतने ज़्यादा प्राइस का एक रीज़न भी है क्योंकि यह हार्ड डिस्क कॉम्बिनेशन है सभी हार्ड डिस्क का। यहाँ पर आपको रीड करने की भी जो परफॉर्मेंस होगी वह भी बहुत ही ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर आपको डाटा राइट करने की परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलेगी। यह हार्ड डिस्क जल्दी क्रैश नहीं होगी, डेटा आपको जो स्टोर करके रखना है वह आप लंबे समय तक कर सकते हैं। इस हार्ड डिस्क का जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वह किया जाता है एंटरप्राइजेस क्लास के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी एक सिक्योर कंपनी की, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड उस डेटा को रीड करना है, उस डेटा को राइट करना है, आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, आपकी हार्ड डिस्क सिक्योर भी हो, तो यार इस कंडीशन पर आप ले सकते हैं वेस्टर्न डिजिटल गोल्ड हार्ड डिस्क को। अब बात करें यहाँ पर इन हार्ड डिस्क के जो बेस्ट प्राइस हैं, जो मैंने आपके लिए बेस्ट प्राइस सजेस्ट किए हैं, तो यार उन सभी प्राइजेस की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिस पर जाकर आप हार्ड डिस्क के अच्छे से स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।